नमस्कार दोस्तों, तो ये न्यूज़ तो आपको ज़रूर मिल ही गया होगा कि Redmi K सीरीज के अंदर बिल्कुल नया स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। मतलब लास्ट लॉन्च हुआ था Redmi K20 सीरीज, अब लॉन्च होने वाला है Redmi K के अंदर नया सीरीज। और पहले मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो स्मार्टफोन आएगा इसका नाम होगा Redmi K50i। और ये फोन एक्चुअली पोको F4 5G वाले स्मार्टफोन जिस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल होगा। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे कि सेम प्राइस पॉइंट में पोको F4 5G ये बेटर है या फिर जो अपकमिंग Redmi K50i जो लॉन्च होने वाला है वो बेटर है। इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात के। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सोच रहे कि आज मेरा वॉइस इतना अजीब क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मैं जो टेक्नो बोबा 3 का रिव्यू कर रहा था इसके लिए मुझे थोड़ा सा बारिश में भीगना पड़ा, इसलिए बहुत तेज मुझे अभी जुकाम है। तो इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। पहले तो हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये जो पोको F4 5G इसके पीछे आपको टोटली ग्लास बॉडी आपको मिलेगा, लेकिन जो Redmi K50i इसके पीछे आपको वही पुराना प्लास्टिक बैक कवर आपको मिलेगा। पोको F4 5G का थिकनेस है 7.7 मिलीमीटर और इसका वेट है 195 ग्राम, लेकिन जो Redmi K50i उसका थिकनेस है 8.8 मिलीमीटर और इसका वेट है 200 ग्राम। तो मतलब देख सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो पोको F4 5G उसका जो डिजाइन और जो थिकनेस और वेट वो ऑब्वियसली बेटर है कंपेयर टू Redmi K50i। नेक्स्ट अगर हम दोनों के डिस्प्ले की अगर बात करें, जो पोको F4 5G उसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ज E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले। उसी जगह पे Redmi पे आपको मिलेगा 6.6 इंच फुल एचडी प्लस 144 हर्ज 10 बिट IPS LCD डिस्प्ले। इसका मतलब एक में आपको मिल रहा है E4 सुपर एमोलेड, दूसरे में आपको मिल रहा है 10 बिट IPS LCD डिस्प्ले। पोको में आपको मिल रहा है 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट, Redmi पे आपको मिल रहा है 144 हर्ज का रिफ्रेश रेट। पोको पे आपको मिलेगा 360 हर्ज का टच सैंपलिंग रेट, Redmi पे आपको मिलेगा 270 हर्ज का टच सैंपलिंग रेट। इसके अलावा पोको में आपको मिलेगा 1300 नीट्स तक का मैक्सिमम ब्राइटनेस, Redmi पे आपको मिलेगा 650 नीट्स तक का मैक्सिमम ब्राइटनेस। दोनों पे आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। पोको पे आपको मिलेगा HDR 10 प्लस डॉल्बी विजन MEMC, ये तीन फीचर आपको मिलेगा। उसी जगह पे Redmi K50i में आपको HDR 10 और डॉल्बी विजन ऐसे दोनों का ही सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इसका मतलब इन्हें सिंगल वर्ड एक चीज़ कह सकते हैं, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए तो आपको 100% पोको F4 5G के साथ ही जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के CPU के बारे में। ये जो पोको F4 5G में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, लेकिन जो Redmi K50i उसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर, इसमें मिलेगा 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। अगर AnTuTu स्कोर को देखते, पोको का AnTuTu स्कोर है 7 लाख के आसपास, Redmi का AnTuTu स्कोर है 8,20,000 के आसपास। इसका मतलब ऑन पेपर Redmi का जो प्रोसेसर पावरफुल है कंपेयर टू पोको, लेकिन मैं इधर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, स्नैपड्रैगन 870 बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है। इसीलिए अगर हम सिर्फ रॉ CPU पावर की बारे में बात करें उस मामले में डायमेंसिटी 8100 बेटर है, लेकिन अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बारे में बात करें उस मामले में स्नैपड्रैगन 870 बेटर है। तो इसके बाद अगर हम दोनों के कैमरे की बारे में बात करें, पोको और Redmi दोनों पे आपको मिलेगा 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। पोको में जहाँ पर आपको मिल रहा है OIS का ऑप्शन, लेकिन जो 64 मेगापिक्सल सेंसर वो आपको मिलेगा ओमनीविजन का सेंसर, लेकिन उसी जगह पे Redmi पे आपको मिलेगा Samsung GW1 वाला सेंसर जो कि थियोरेटिकली ओमनीविजन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और अगर सेल्फी के बारे में बात करें, पोको F4 5G में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Redmi पे आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब देखिए इधर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए मेरे पास है पोको F4 5G 64 मेगापिक्सल का ओमनीविजन का सेंसर और उसके साथ मेरे पास है iQOO Z5 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर। तो ये स्मार्टफोन लेने से पहले मुझे पता ही था कि मेरे पास जो iQOO Z5 है उसका जो कैमरा वो ऑब्वियसली बेटर होना चाहिए कंपेयर टू पोको, लेकिन जब मैंने इसका रियल लाइफ टेस्टिंग किया तो मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ इसका स्टील फोटोग्राफी, इसका वीडियोग्राफी डेफिनेटली बेटर है 64 मेगापिक्सल सैमसंग GW1 सेंसर वाले फोन के मुकाबले। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये जो ओमनीविजन का सेंसर सैमसंग के मुकाबले बेटर है, क्योंकि ऑन पेपर सैमसंग का बेटर होता है, लेकिन इस फोन का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अभी के लिए तो बहुत ही बेटर है। पता नहीं फ्यूचर में अपडेट के बाद इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन अभी करेंटली इसका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए जब भी मैं अभी रिसेंटली कोई अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा ही होगा टेक्नो पोबा 3 वाले वीडियो पे ऊपर से मैं एक शॉट ले रहा था, उसमें मैंने एक्चुअली 4K 60fps मोड इस्तेमाल किया था और वो जो वीडियो टोटली अनएडिटेड वीडियो है,
कोई भी कलर ग्रेडिंग उसमें नहीं है, मतलब आप जो कलर देख रहे हैं वो एक्चुअली इसके नेचुरल वाले कलर है। तो इसीलिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा, इसका 64 मेगापिक्सल ऑमनिविजन सेंसर डेफिनेटली प्राइस पॉइंट में बाकी के जो सैमसंग के 64 मेगापिक्सल सेंसर है 100% उससे बेटर होगा। तो इसका मतलब कैमरे के मामले में ऑब्वियसली पोको F4 5G इधर बेटर है। और ये जो रेडमी K50i इसमें आपको OIS का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के वेरिएंट के बारे में बात करें, पोको F4 5G में आपको 6 120GB, 8 120GB और 12 256GB, ये टोटल तीन वेरिएंट मिलेगा। उसी जगह पे रेडमी पे आपको मिलेगा 8 128GB और 12 256GB, दोनों पे आपको मिलेगा LPDDR5 और UFS 3.1 का स्टोरेज। और एज यूजुअल इसमें भी आपको कोई भी एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, दोनों पे आपको मिलेगा 67W का चार्जर और USB टाइप सी का कनेक्टिविटी। पोको पे जहां पर आपको मिलेगा 4500mAh बैटरी, रेडमी पे आपको मिलेगा 5080mAh बैटरी। तो मतलब इस मामले में रेडमी डेफिनेटली बेटर है। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो सेम प्राइस पॉइंट में आपको एक्चुअली कौन सा लेना चाहिए, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में पोको F4 5G के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रीमियम ग्लास बॉडी वाला डिजाइन, E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले, HDR10+ और MEMC दोनों का सर्टिफिकेशन, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट और कैमरे में आपको OIS का ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप रेडमी के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा 10 बिट 144Hz वाला डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी कैमरा सेंसर ऑन पेपर और बिगर बैटरी आपको मिलेगा। तो मतलब वीडियो का आखिर में ये चीज़ों को समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये दोनों स्मार्टफोन के बीच में कोई एक फ़ोन लेना है तो आपको 100% पोको F4 5G के साथ ही जाना चाहिए। और हाँ, अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, अभी पोको F4 5G इंडिया में कितने में अवेलेबल है, 28,000 रुपये पे। और ये जो रेडमी K50i वाला फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा एग्जैक्टली 26,000 रुपये पे विदाउट कोई बैंक ऑफर, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और 2,000 रुपये कम में रेडमी आपको प्रोवाइड करेगा 8 120GB वाला वेरिएंट। और इधर शायद आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ लगेगा कि जो रेडमी K50i उसमें आपको मिल रहा है 10 बिट 144Hz वाला डिस्प्ले लेकिन IPS LCD पैनल, लेकिन उसी जगह पे पोको पे आपको मिलेगा E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो अगर आपको गेमिंग वगैरह खेलना है कौन सा बेटर होगा, तो देखिए गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं 120Hz 144Hz दोनों होगा एग्जैक्टली सेम, मेन डिफरेंस होगा कलर एक्यूरेसी के ऊपर या फिर कलर आउटपुट के ऊपर। और उस मामले में सुपर एमोलेड डेफिनेटली बेटर होता है IPS LCD डिस्प्ले के मुकाबले। गेमिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है स्नैपड्रैगन 870 बेटर है, लेकिन रॉ CPU पावर में डायमेंसिटी 8100 बेटर है। कैमरा में डेफिनेटली इधर ऑमनिविजन का सेंसर बेटर होगा क्योंकि इसमें आपको OIS का ऑप्शन मिल रहा है। तो मतलब ये जो पोको F4 5G इतने सारे मामले में बेटर है रेडमी K50i के मुकाबले। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में जरूर बताना कि आप ये दोनों फोन के बीच में कौन सा चूज करना चाहेंगे और कौन सा आप एक्चुअली लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।